बड़ी खुदगर्ज औलाद है मेरी। 2 दिन हो गए सैर को गए, लेकिन मजाले जो माँ को याद किया। जी, याद आ गई आपको अपनी बेटी की? तौबा है वरदा, तुम तो माँ से भी 10 हाथ आगे हो। इसमें तो कोई शक नहीं है। सीधे सीधे तरीके से बताओ, फोन क्यों नहीं किया था? सीधे सीधे तरीका तो मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ, वो क्या है ना कि आने से पहले मैंने आरएस का मोबाइल ऑफ करके बेड के नीचे डाल दिया। अब मैं आपसे बात करती हूँ तो इसे अपनी अम्मा याद आना शुरू हो जाती है, इसलिए फोन नहीं किया। शानदार, क्या बात है, बहुत अक्लमंद बेटी है मेरी। वो तो मैं हूँ, जो भी प्लानिंग करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ। और हाँ, मैंने अपनी सारी कॉलेज फ्रेंड्स को होदा के भागने का बता दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि ये खबर फौरन से पहले फैला दो। उनके माँ बाप को पता चला, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, और अंजाम क्या हुआ? सबका अंजाम होना क्या था, लेक्चरर हुदा की जॉब खत्म, ऊपर से डायरेक्ट नीचे। और पता है, घर के हालात इतने खराब है कि मैं बता नहीं सकती। और इन सब में आरेज गायब, मैं और वो यहाँ छुट्टियां मना रहे हैं। और वो लोग बेचारे, पता है वो लोग गैस, बिजली, पानी, पाई पाई पैसे के लिए तरस रहे, और हम यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। मगर वरदा, ये सब तुमने किया कैसे? तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में सब जानते हैं, अगर किसी को पता लग गया तो। कैसी बातें कर रही हैं आप, कोई नहीं पहुंच सकता आपकी बेटी तक, क्योंकि मंजरे आम पर तो मैं वहां थी ही नहीं। और आपको क्या लगता है, आपकी बेटी ने कच्ची गोलियां खेली है? बिल्कुल भी नहीं। अरे यही तो पूछ रही हूँ, तुमने ये सब किया कैसे? ये सब कुछ मैंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर किया, जिसको माहम बोलते हैं। माहम? माहम ने क्या किया?